हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ आपके इम्पोर्टेंट डाउट्स थे, जैसे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन कब होंगे, कब हमें फीस करना होगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन जो अभी चल रहे हैं उसको लेकर क्या स्टेटस है, ईआर फॉर्म जो है आपका, ईआर एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो कब तक आएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आसपास हमारे घूम रही है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो होती है ना, हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज करती है कि सर अभी एडमिशन हो रहे हैं या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल लेकर आ रहे हैं, एक एक तो ये कह रहे हैं सब स्टडी मटेरियल मिल नहीं रहा, तो आखिर सोल में हो क्या रहा है। तो आज हम इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट, जहाँ पे हम आपको दिल्ली विश्वविद्यालय या ये बोलो एसओ से जुड़ी हुई सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर अभी हम जो चीज़ कर रहे हैं क्या ये एडमिशन है, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, जिनका रिजल्ट आ चुका है, फोर्थ सेमेस्टर का भी पेंडिंग है, ठीक है, वो भी आप इसी महीने आ जाएगा। रिजल्ट को लेकर देखिए ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इसी महीने फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जो अभी हम सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं डैशबोर्ड पे, सर क्या ये एडमिशन है? तो पहला जो मेरा आंसर है, जी नहीं, ये आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, ये आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो। अब आपको किसे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्लियर करता हूँ सारी चीज़ें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, एक्चुअली हर साल से होता क्या था कि रिजल्ट जो है काफ़ी लेट होता था, तो काफ़ी स्टूडेंट की कंप्लेंट ये रहती थी, जाहिर सी बात है जो प्रोटेस्ट करते थे वो भी यही कहते थे कि सर आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवा रहे, रिजल्ट जब भी आएगा, ये समस्या रहती थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए एसओएल ने इस बार क्या किया कि आपसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करवा के आपसे अपॉइंटमेंट ले लिया कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे। तो एक चीज़ याद रखना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो सब्जेक्ट आप अभी सिलेक्ट कर रहे हो इन्हीं सब्जेक्ट की फीस आपको पे करनी पड़ेगी एडमिशन के टाइम पे। आप ये मत बोलना कि सर अभी हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए अब हमारा मन किया नहीं, अब तो एडमिशन होगा, हम दोबारा से नए सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, जी नहीं, इतना जरूर याद रखना। और एक चीज़ और, जो फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम वाले, अगर वो वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक आ चुके हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा से अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, दोबारा से इस फॉर्म को ठीक किया गया, क्योंकि इस फॉर्म में एरर चल रहा था, फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले जो स्टूडेंट है, क्योंकि उसमें मेजर मारने का कुछ एरर चल रहा था, जेनिक इलेक्टिव को लेकर डीएससी का जो ऐड किया गया है उसमें एरर था। आप दोबारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, जिसने पहले सेलेक्ट कर लिया दोबारा से आप लॉगिन करोगे, आपको सेलेक्ट दोबारा से करने पड़ेंगे, ये चीज़ को आप ध्यान में रखना। और एक चीज़ और, उन्हीं सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जिन सब्जेक्ट की आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, ठीक है, क्योंकि नए सब्जेक्ट का आप, ये हो सकता है उनका स्टडी मटेरियल आपको ना मिले, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब एक सवाल आता है कि सर अभी हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या हमें पेमेंट करना होगा? देखिए, पेमेंट आपसे भी नहीं लिया जा रहा, किसी से पेमेंट नहीं लिया जा रहा, थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनको जो स्टडी मटेरियल मिल ही जा रहा है, क्योंकि सबको पता है उनका स्टडी मटेरियल है। वहीं फिफ्थ सेमेस्टर की बात की जाए, अभी बी ए प्रोग्राम का, बी कॉम प्रोग्राम का जो स्टडी मटेरियल है वो अभी अवेलेबल ही नहीं है एस ओ एल कैंपस में, पी डी एफ भी पूरा अवेलेबल नहीं है। वहीं बी ए और बी कॉम ऑनर्स की भी काफ़ी कोर्सेज है, उनके फिफ्थ सेमेस्टर के स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। फिर आपको जो सब्जेक्ट क्यों सिलेक्ट करवाए जा रहे हैं, तो एस ओ एल को ये अंदाज़ा लग रहा था कि जो रिजल्ट है वो पेंडिंग हो सकता है, लेट हो सकता है, सब्जेक्ट आप अभी सिलेक्ट कर लो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे रिजल्ट आपका आ जाएगा, क्या जैसे अभी सेकंड सेमेस्टर का आ गया तो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके, थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हो, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन जो अभी आप कर लोगे, इन्हीं सब्जेक्ट की फीस आपको पे करनी पड़ेगी, जब एडमिशन शुरू होंगे तब आपको ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेंगे। बाकी रही बात आपका फोर्थ सेमेस्टर, वो आपको सिलेक्ट करना होगा एडमिशन के टाइम पे, मैं जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे वो सिक्स सेमेस्टर के लिए अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जब आपके एडमिशन शुरू होंगे, ठीक है। और रही बात अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट को लेकर मैं एक ही चीज़ क्लियर करूँगा बार बार कि अभी जो अपॉइंटमेंट है वो उन्हीं को मिलेगा जिनका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है कैंसिल हो गए। कैंसिल होने का रीज़न यही है कि या तो स्टडी मटेरियल का स्टॉक नहीं है या भीड़ की वैसे वो कैंसिल कर रहे हैं, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिक जब भी अवेलेबल होगा आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अभी जो सिलेक्शन हो रहा है इसका कतई मतलब ये मत समझना कि आपको एडमिशन हो रहा है, आपका एडमिशन नहीं हो रहा, सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन होके बाद में आपका एडमिशन की फीस आपसे ली जाएगी। अब ये फीस कितनी जाएगी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपने फीस कितनी दी थी, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो अभी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हो, जो एडमिशन लेंगे, आपने फर्स्ट ईयर में फीस कितनी दी थी, उतनी फीस आपकी लगेगी सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में। सेम उसी तरीके से जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है फिफ्थ सेमेस्टर वाले, आपने फीस कितनी दी थी, 7,500 8,000, उतनी फीस आपकी इस बार भी लगेगी।
हो सकता है 500 रुपया आगे पीछे हो, ऊपर नीचे, पर इतनी ही फीस आपकी जाएगी, ठीक है। बाकी स्टडी मटेरियल के लिए किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा, अभी आप अपॉइंटमेंट मिल जाता है लेकर आ जाइए। बाकी सब्जेक्ट सेलेक्ट कराने का मकसद उनका यही था, एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लो ताकि बाद में सब आपसे फीस लेके आपका एडमिशन कन्फर्म हो रहा। और एक चीज़ आपको मैं भी बता दे रहा हूँ, देखिए जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, अभी जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आप डैशबोर्ड पे जाके देखना, वो ऐड नहीं हुए होंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन हो रहा है सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए किया जा रहा है कि ताकि आपको स्टडी मटेरियल दे दिया जाए। अगर आप डैशबोर्ड लॉगिन करोगे जो सब्जेक्ट अभी आपने सेलेक्ट करे वो आपके डैशबोर्ड पे शो ही नहीं हो रहे होंगे, जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं हर ईयर के हर सेमेस्टर के, वहाँ नहीं होंगे। कि एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि सर हमारा सब्जेक्ट है वो शो ही नहीं कर रहा जो हमने सेलेक्ट की है, तो क्यों शो करेगा? क्या अभी आपका एडमिशन हो गया? जब एडमिशन होगा तब जाके डैशबोर्ड पर सारे सब्जेक्ट आपके अपडेट होंगे। तो सारी चीज़ समझ में आ गई। अब आ जाते हैं आपके ईआर एग्ज़ाम के फॉर्म के ऊपर। सर ईआर एग्ज़ाम का फॉर्म हमें कब भरना है? हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, हमारी सेकंड सेमेस्टर में बैक है, हमारी थर्ड सेमेस्टर में बैक है, हमारी फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जिसमें भी हमारी बैक है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो इसमें आपका ईआर का जो फॉर्म है वो शो नहीं करेगा। जब एडमिशन शुरू होंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, तब आपके जितने भी सेमेस्टर में बैक होगी, जैसे अभी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, जब आ जाएगा उसमें किसी की बैक आएगी, जब एडमिशन शुरू होगे तब आप उन ईआर फॉर्म को भी फिल कर पाओगे अपने एडमिशन फॉर्म के साथ। सेम इसी तरीके से वो स्टूडेंट जिनकी सिक्स सेमेस्टर में बैक आ रखी है, वो स्टूडेंट जिनकी फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है, या किसी सेमेस्टर में बैक है, अभी एडमिशन शुरू हुए ही नहीं है, अभी सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन चल रहा है, वो भी एनबी वालों बच्चों का, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर जो एनबी वाले बच्चे हैं। एनबी वाले बच्चे कौन? वो बच्चे जिन्होंने 2022 और 23 में एडमिशन लिया, सब उन्हीं के सब्जेक्ट सिलेक्शन चल रहे हैं, बाकी अभी एडमिशन शुरू नहीं हुए है। अभी ईआर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो सब्जेक्ट का नहीं आया है। अब आती है सर लास्ट डेट क्या है सब्जेक्ट सिलेक्शन की? तो देखिए इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, अगर आप अभी कर लोगे बहुत अच्छी बात है, हो सकता है जैसी स्टडी मटेरियल आपका अवेलेबल हो जाए आपको मैसेज आ जाएगा कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। बट अगर आप चाहते हो कि अभी मुझे नहीं करना, मैं एडमिशन के टाइम पे करूँगा, वो भी आपके पास चॉइस रहेगी, क्योंकि अभी तो चलता रहेगा, क्योंकि इसकी कोई लास्ट डेट अभी फिलहाल है ही नहीं। लास्ट डेट होती है एडमिशन की, ये तो सब्जेक्ट सिलेक्शन की कोई लास्ट डेट होती नहीं है। अभी ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसी चीज़ को मैं समझाने के लिए आया हूँ। बाकी एक चीज़ अभी बता देता हूँ, अभी फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट पेंडिंग्स हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन अभी भी है, बट इस महीने आपके रिजल्ट आ जाएंगे, देन उसके बाद आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है फिफ्थ सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। और अभी जिनके सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिए, खासकर बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है फिफ्थ सेमेस्टर के, आप अपना एक बार डैशबोर्ड दोबारा लॉगिन कीजिए, और आपके फॉर्म को दोबारा से रिलीज किया गया है, जिन्होंने पहले सबमिट कर दिया था कुछ रॉन्ग वगैरह उसमें हो रहा था, दोबारा से आप देखिए, दोबारा आपको सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। उन्हीं सब्जेक्ट को लेना जिनका स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए, ज़्यादा पुराने सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना जो ऑलरेडी पहले से एग्जिट करते हैं, तभी आप नए को सिलेक्ट करना जो आपकी मजबूरी हो। जैसे देखिए एक बच्चा कह रहा था कि सर मुझे इंग्लिश नहीं लेनी, मुझे स्किल एनहांसमेंट में इंग्लिश नहीं चाहिए, सर आप मुझे हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट बता दो। तो आप कब तक बचोगे? कब तक आप इंग्लिश से बचोगे? कब तक आप हिंदी से बचोगे? आपको किसी ना किसी ईयर में आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट मिलने ही मिलने हैं। आप मान लो फिफ्थ सेमेस्टर में हिंदी ले लोगे, अब वो सब्जेक्ट तो गिर गए, अब जो बचे वो सब्जेक्ट भी लास्ट में आपको इंग्लिश ही लेनी पड़ेगी। तो या तो इंग्लिश लो या हिंदी लो। तो यही कह रहा हूँ, ज़्यादा कोशिश कीजिए पुराने सब्जेक्ट जो इंग्लिश के उन्हीं को लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनका स्टडी मटेरियल भी है, उनके नोट्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। बस मुझे इतना ही इस वीडियो में बताना था, और कोई अपडेट होगा जरूर बताऊंगा, जैसे एडमिशन शुरू होंगे सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।